प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य पर का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नुनखरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ भी ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, अब से आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्ते तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में यिर्मयाह नबी मनुष्य पर भरोसा रखने वालों को धिक्कारते हैं और प्रभु पर भरोसा रखने वालों को धन्य कहते हैं। जो मनुष्य का सहारा लेता या मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका मन और हृदय प्रभु से दूर भटक जाता है। प्रभु से दूर चले जाने से उन पर प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता उतरता। प्रभु के आशीर्वाद एवं कृपा के बिना मनुष्य के जीवन में सूनापन, नीरसता तथा हताशा आ जाती है, जैसे मरुभूमि के पेड़ पौधों के लिए कभी अच्छे दिन नहीं आते। प्रभु पर भरोसा रखने वाले प्रभु के सानिध्य रहकर उसके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रभु उन्हें स्वयं अपनी कृपा तथा आध्यात्मिक गुणों से मार्गदर्शन करते हैं और इसलिए उनका जीवन प्रेम, शांति और खुशियों से भरा होता है। उनका जीवन जल स्रोत के किनारे लगाए गए वृक्ष के सदृश हमेशा हरा भरा होता है।
और आज का सुसमाचार इंसानियत की कमी को उजागर करता है। हम मनुष्यों का जीवन अत्यंत मूल्यवान है। बाइबल में मानव जीवन के उद्भव तथा मूल्य के बारे में अनेक वर्णन है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में संपूर्ण जीव जंतुओं से भरी इस सृष्टि का संचालन ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है, फिर सृष्टि तथा समाज में इंसानियत की कमी क्यों? यह सोचने तथा विचार करने की बात है। वर्तमान समाज तथा मनुष्य की जीवन शैली में घटती इंसानियत को खबर कागज तथा टेलीविजन में उजागर होते देखते और सुनते हैं। इस घटती और घटिया इंसानियत से सब जन वाकिफ हैं। इंसानियत की कमी का मूल कारण है आध्यात्मिकता की कमी। इंसानियत आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी आध्यात्मिकता एवं मानवीय कर्तव्यों में रचना और बसना है। मानवीय कर्तव्य से आशय समाज तथा धर्म की चेतना से जुड़ना है। दुख दरिद्रता कष्ट पीड़ा तथा यातना भोग रहे मनुष्यों का सहायक बनना बहुत जरूरी है। जीवन भर केवल अपना भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की कामना करते रहना और लक्ष्य भर प्राप्त कर लेने भर से अपने अहम को पोषित करना, इससे मनुष्य के कर्तव्यों का निर्वाह नहीं हो सकता है। समाज तथा कलीसिया में अपने जैसे मानवों के मध्य जीवन के मूलभूत सिद्धांत मानवता या इंसानियत की अलख जगानी है। चालीसा का काल हम सबों के लिए आध्यात्मिकता में बढ़ने का एक महत्वपूर्ण समय है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तब पृथ्वी का कार्य अच्छी तरह से करते हैं। पृथ्वी का जीवन अनंत जीवन पाने में सहायक सिद्ध होता है, पर क्यों हमारे मन दिल में धनी गरीब ऊंच नीच का भाव उत्पन्न होता है? क्या सभी मानव जाति का रक्त लाल नहीं होता? क्या दूसरों को भूख नहीं लगती? हम सब के सब ईश्वर के संतान हैं। दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। भिखारी को थोड़ा भोजन देना महल का पहला ईंट के बराबर, एक बूढ़े की सहायता करना दूसरी ईंट के बराबर। अतः हम जीवन भर में एक स्वर्ग का महल तैयार करते हैं, अन्यथा हमारा परिणाम सुसमाचार के धनी व्यक्ति की तरह होगा। इसलिए अभी से ही पृथ्वी में रहकर हम अनंत जीवन के लिए तैयारी कर सकते हैं। आमीन।